बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फिजा नदीम। आज हम बना रहे हैं आलू के नान। आलू के नान बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून नमक है, दो पिंच कसूरी मेथी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, एक चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है, एक कप बेसन है, दो सब्ज़ मिर्चें हैं कुछ उसको चॉप कर लिया था, दो चम्मच धनिया है, एक टमाटर है इसको भी चॉप कर लिया था, एक प्याज है इसको भी स्लाइस में काट लिया था, दो आलू हैं इसको इसको भी बारीक काट लिया था। हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे इसके अंदर। अच्छा सा मिक्स करके इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा सख्त, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। अनारदाना पसंद है तो वो भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। दो चम्मच या तीन चम्मच और बेसन शामिल करेंगे इसके अंदर। नान है इसको हम सेंटर में से कटिंग कर लेते हैं इसकी। आप पूरा फ्राई करना चाहते हो तो पूरा भी कर सकते हैं। हम हाफ की फ्राई करेंगे मसाला लगा के। हल्का सा पानी में डिप करेंगे इसको। हल्का सा मसाला लगाएंगे इस साइड पे। बैक साइड पे बिल्कुल हल्का सा लगाना है। आगे वाले साइड पे बहुत ज़्यादा लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है। आगे वाली साइड पे थोड़ा ज़्यादा लगाना है। ऐसे सब तैयार कर लेने हैं। कोर बना लेते हैं, हल्का सा पानी में डिप करना है इसको। पीछे मसाला नहीं लगाना, बस हल्का सा बेसन लगाना है। आगे मसाले की फिलिंग करनी है आगे वाले हिस्से पे। एक और एड कर लेते हैं ऐसे। ऑयल हमने अपने चूल्हे पे रख दिया है,
डीप फ्राई करेंगे इसको। बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। एक साइड से गोल्डन होने तक इसको पकने देंगे, दूसरी साइड पलटेंगे इसको। अब दूसरी साइड पलट देते हैं इसके। तीन चार सेकंड लगती है इसको फ्राई होते हुए, जैसे हम पकौड़े या चिप्स वगैरह बनाते हैं ऐसे इसको भी फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से ये भी रेडी हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। ये भी माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है। दूसरी साइड पलट देते हैं। माशाल्लाह से ये भी रेडी हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं, लास्ट वाला भी कर लेते हैं। हमारा लास्ट वाला इसको भी ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा लास्ट वाला भी कंप्लीट हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं, ब्राउन हो चुका है।
व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आलू के नान माशाल्लाह से इतने अच्छे बने हैं, बहुत नरम मज़े के। दही के साथ भी अच्छे लगते हैं, चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। अमूमन हमारे घरों में छोटी मोटी दावतों पे बच जाते हैं नान वगैरह, बच्चों को ऐसे बना के दो तो बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई करना भी। आज की हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पर क्लिक करना और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर किया करें। हमारी वीडियो बहुत ईजी और आसान होती है। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.